ओके, तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी आर पार्टनर इन अ फॉर्म, ठीक है। द फॉर्म डिजॉल्व ऑन 31 दिसंबर 2013। ऑन द डेट ऑफ द डिजोल्यूशन द बैलेंस शीट इज एज बिलोज। तो ये सब क्या है, अपने एसेट्स हैं, गुडविल, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ये सब बिकेंगे, ठीक है। और ये लाइबिलिटी जो है क्रेडिटर्स, और ये लाइबिलिटी पे करने के बाद पार्टनर्स का हम लोग कैपिटल क्या करेंगे, पे करेंगे, ठीक है। यही है ना, यही है ना प्रोसीजर इस चैप्टर का। ऑलरेडी हमें कैश दिया हुआ है कि हमारे पास 5000 कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो फिर आगे क्या दिया हुआ है। इट वॉज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट कैश ईच मंथ टू पार्टनर्स आफ्टर मीटिंग क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स का पैसा देने के बाद, एंड आफ्टर रिटेनिंग 3000 आउट ऑफ कैश इन हैंड फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस। अगर कुछ एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए 3000 हम पहले से क्या रखेंगे, साइड में रखेंगे। 3000 साइड में रखने के बाद अगर कोई पेमेंट करना है तो हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये इस चैप्टर, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें ये नया चीज़ है। तो ये इसको कैसे हैंडल करना है 3000 को, वो मैं बताऊँगा आपको। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ का रियलाइजेशन है 40,000, सेकेंड मंथ में टोटल 15,000 आया, थर्ड मंथ में 35,000 है ना स्टॉक और डेटर्स, और लास्ट मंथ में 10,000 आया, उसमें से 2,000 क्या हो गया, खर्चा हो गया, ठीक है। एक्सपेंसेस टोटल, टोटल एक्सपेंस 2,000 आया, ठीक है। तो चलो इसको कैसे हैंडल करना है मैं बताता हूँ अभी। प्रिपेयर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ईच मंथ टू द डिफरेंट पार्टनर्स। तो हमें एक्सेस कैपिटल भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सेस कैपिटल निकाले बिना हम सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलो पहले एक्सेस कैपिटल का मैंने ये फॉर्मेट पूरा लिख दिया है, आप लोग चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अब तक तो आपको याद हो गया होगा, है ना। चलो तो पहले हम लोग PSR लिखेंगे। PSR हमने क्या पढ़ा था, 5:3:2। उसके बाद हम कैपिटल लिखेंगे ABC का, 30, 40 और 50। 30,000, 40,000 और 50,000, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो रिजर्व है ना, रिजर्व ये मैंने क्या बताया था, ये पास्ट के प्रॉफिट हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड रिजर्व्स। रिजर्व्स में कितना था, 10,000। 10,000 को ये रेशियो में बांटोगे ना आप कैलसी पे, तो ए को आएगा 5,000, बी को आएगा 3,000 और सी को आएगा 2,000, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, और इसका हम टोटल करेंगे तो ये अपना हो जाएगा एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35,000, ये 43 बी का, और सी का हो जाएगा 52,000, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया। अब चलो बाकी का काम कर लेते हैं यहाँ पे। अभी अपने को क्या निकालना है, यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल कैसे निकलता है, सेकेंड स्टेप डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्टेप। तो सेकेंड स्टेप का टोटल कितना है, 35। तो 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 जा 35, तो 7,000 आएगा। 43 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 14,333 इस तरह से आएगा, 0.33 आएगा। तो हम लोग 0.33 को कंसिडर फ़िलहाल तो अभी नहीं करेंगे। फिर 52,000 है, 52,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 26,000, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को बेस कैपिटल लेना है फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में बेस कैपिटल क्या होता है, लोअर ऑफ यूनिट कैपिटल। तो यूनिट कैपिटल में सबसे कम क्या है, 7,000। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बेस कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है, अपने को अच्छे से पता है। PSR को, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस कैपिटल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा बेस कैपिटल है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 5 जा कितना होगा, 35,000। 7 3 जा 21,000 और 7 2 जा 14,000, ठीक है। ये क्या है, अपने को प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है कि जो हमारा रेशियो है उसी रेशियो में क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। बट कैपिटल क्या होता है, कम ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं और एक्सेस कैपिटल पहले पे करने की कोशिश करते हैं। ये सब आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा जब आप जैसे जैसे आप सम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब एक्सेस कैपिटल कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे, सेकेंड माइनस फिफ्थ।
तो सेकेंड स्टेप में हमारे पास कैपिटल कितना है 35, फिफ्थ में कितना है 35, तो यहाँ पे क्या आएगा नील। ठीक है, अब 43 माइनस 21 करेंगे तो कितना आएगा 22,000। 52 माइनस 14 करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 38,000 आना चाहिए, 38 और 4 12 4 और 1 5 बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्सेस कैपिटल किसका आया, बी और सी का एक्सेस कैपिटल आया। तो ये बी और सी का एक्सेस कैपिटल हम लोग क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे और हमने यहाँ पे निकालना है बी और सी में से किसी एक का एक्सेस कैपिटल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फाइनल एक्सेस कैपिटल। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी का लिखेंगे हम लोग 3 और 2। फिर न्यू यूनिट कैपिटल निकालना हमें, तो यूनिट कैपिटल कैसे निकलेगा, 6 डिवाइडेड बाय 7। तो ये जो एक्सेस कैपिटल होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो 22,000 को 3 से डिवाइड करो, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, आप कैलसी से डिवाइड कर सकते हो, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 यानी 7,333। 38 को 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 19,000। ठीक है, ओके। अब अपना क्या रहा, न्यू बेस कैपिटल। तो न्यू बेस कैपिटल क्या होता है, लोअर ऑफ न्यू यूनिट कैपिटल। तो न्यू यूनिट कैपिटल यहाँ पे क्या है, 7,333 और 19,000। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 7,333, ये अपना क्या हो जाएगा, न्यू बेस कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे कम होता है उसी को लेते हैं। फिर न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, 9 यानी न्यू बेस कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपको आएगा 22,000 ही देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कैलसी पे देख लो, 1 रुपये का फ़र्क आएगा तो 1 रुपया आप ऐड कर दो इसमें। ठीक है, तो ये आएगा 22,000। फिर इस वैल्यू को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 6, और 2 7 जा कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपना फाइनल एक्सेस कैपिटल यहाँ पे मिल जाएगा अपने को। कैसे निकालना है, 6 माइनस 10, तो 6 स्टेप पे 22,000 है, 10th स्टेप पे भी कितना 22,000 है, तो ये हो जाएगा नील। ठीक है, 38,000 में से 14,666 हम लोग माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 6 3, ये हो जाएगा 7, 7 माइनस 4 क्या होगा 3, ये 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो 23,334 ये क्या है, फाइनल एक्सेस कैपिटल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ पेमेंट बनाएंगे कि कैसे हम लोग को पेमेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले किसको पेमेंट करते हैं, आउटसाइडर को, अब तक आपको याद हो गया होगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में आउटसाइडर कौन है। तो आउटसाइडर सिर्फ और सिर्फ कौन है, क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पे टू क्रेडिटर्स कितना है, 30,000। इसके पहले वाले वीडियो में क्रेडिटर्स की वैल्यू दी थी बैलेंस शीट में 5,000, और एडजस्टमेंट में बोला था कि 4,000 में हमने क्रेडिटर्स को सेटल किया। तो वो सम भी आप लोग देख लेना, चौथा सम। ठीक है, अगर देखे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। तो बट ये सम में अपने को कुछ भी क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट नहीं दिया, हमने पूरा एडजस्टमेंट पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके। तो क्रेडिटर्स को पे करने के बाद किसको पे करना है, हमें एक्सेस कैपिटल पे करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या पे करेंगे, अभी पे एक्सेस कैपिटल ऑफ, फाइनली एक्सेस किसका आया था, सी का आया था, है ना, ये सी का फाइनली एक्सेस कैपिटल आया था। कितना आया था, एक्सेस ऑफ सी रुपीज़ 23,334। फिर आपको पता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइनल एक्सेस पे करते हैं, फिर हम लोग कौन सा एक्सेस पे करते हैं, जो छठे, ये जो सिक्स स्टेप में जो एक्सेस है इसको हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पे एक्सेस कैपिटल ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी का एक्सेस कितना होगा, 38,000 और 22,000 कितना होता है, और 60,000 होगा। 60,000 में से ऑलरेडी हमने कितना पे कर दिया, 23,334। तो हमें पे कितना करना है, माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 6, और 9 माइनस 3 भी कितना होगा, 6 होगा, यही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 5 5 माइनस 2 क्या होगा, 3। तो 36,666 हमें क्या करना होगा, पे करना होगा किसको, बी और सी को, वो भी कौन से रेशियो में, इन 3:2 में। ठीक है, 3:2 है ना ये,
तो ये रेशियो में हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। फिर अभी चौथा स्टेप जो है उसमें हमें क्या, हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, एक्सेस कैपिटल ऑफ सी पे किया, एक्सेस कैपिटल ऑफ बी एंड सी भी पे कर दिया। अब क्या करेंगे, जो भी पैसा बचेगा सारे पार्टनर्स को हम पे करेंगे। तो पे टू ऑल पार्टनर्स इन 5:2, क्या रेशियो इनका, 5:3:2, ठीक है। तो ये रेशियो में हम सारे पार्टनर्स को बाकी का पेमेंट कर देंगे। ओके तो चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, फाइनल डेट सॉरी बैलेंस शीट का डेट क्या था, 31 दिसंबर 2013। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2013, यहाँ पे बैलेंस लिख लेते हैं। तो कैश का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना हमारे पास है, 5000 है। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, 30,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000। और पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंस शीट में दिया वो कैपिटल हम नहीं लेंगे, अभी एडजस्टेड कैपिटल लेंगे, 35,000, 43,000 और 52,000, ठीक है। ओके ये हो गया। अब हम लोग एडजस्टमेंट में थोड़ा देखते हैं कि बोला क्या आपने को। 5,000 तो है पहले हमारे को पे करने के लिए, बट अपने को क्या बोला है कि हमें क्रेडिटर्स और पार्टनर्स को पे तो करना है, बट 3000 क्या करना है, हमें साइड में रखना है, ठीक है, एक्सपेंसेस के लिए। और लास्ट में एक्सपेंस अपने को बताया कि 2000 हुआ, तो इसको कैसे हैंडल करना है मैं बताता हूँ अभी। तो फिलहाल हम लोग 5000 में से 3000 क्या करेंगे, साइड में रखेंगे। तो लेस प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना प्रोविजन करके रखा हमने, प्रोविजन करना मतलब पहले से ही पैसा साइड में रखना, ठीक है। तो बचा कितना, 2000, ये हमने साइड में रख लिया 3000, ठीक है। अब ये जो 2000 हमें बचा है ये हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को फटाफट पे कर देंगे। तो लेस पे टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये 2000 हम पे करेंगे अभी, तो पैसा कितना बचा, नील। और 30,000 माइनस 2000 करोगे तो कितना आएगा, 28,000, ठीक है। अब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन के लिए जाएंगे। तो फर्स्ट मंथ के रियलाइजेशन में क्या हुआ है, 40,000 का रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो लिखा है वही लिख दो, फर्स्ट मंथ, ठीक है, फर्स्ट रियलाइजेशन कितने का हुआ था, 40,000। हमें पे कितना करना है, 28,000 हमारे पास है 40, तो हम आराम से इसको पे कर सकते हैं। लेस पे टू क्रेडिटर्स, तो पहले 28,000 पे कर दो, तो ये पूरा पे हो गया, तो ये नील हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, 12,000। तो ये 12,000 हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सेस कैपिटल है, क्योंकि कोई आउटसाइडर तो बचा नहीं अभी, तो ये क्रेडिटर्स को पे कर दिया। अभी हमें एक्सेस कैपिटल किसका पे करना है, सी का। तो 12,000 है तो पहले सी को दे दो। तो लेस पेड एक्सेस कैपिटल, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ, एक्सेस कैपिटल ऑफ सी, चलो पूरा ही लिख देता हूँ। तो ये 12,000 हमने पे कर दिया किसको, सी को, सी ए रहा। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये तो 35,000 ही रहेगा, 43,000 और 52 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 40,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं तो हम रियलाइजेशन के लिए जाएंगे। तो सेकंड मंथ क्या लिखोगे, सेकंड रियलाइजेशन कितना हुआ, सेकंड रियलाइजेशन अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो सेकंड मंथ में हमने स्टॉक और डेटर से कलेक्शन किया 10 और 5, कितना, 15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 15,000। अब हमें क्या पे करना है, एक्सेस पे करना है। पहले देखो किसका एक्सेस पे करना है, सी का, क्यों, सी का एक्सेस कैपिटल कितना था, 23,334, उसमें से हमने कितना पे किया था उसको, 12,000 पे किया था, तो और कितना पे करने का बाकी है, ठीक है।
11,334 पे करना है। अपने पास है कितना, 15,000, तो 11,334 यहाँ से माइनस करेंगे और किसको पे करेंगे, सी को, 11,334। चलो माइनस कर लेते हैं ये, 10-4 कितना होता है, 6, और 9-3 6, 9-3 6, और ये हो जाएगा 4, 4-1 क्या होगा, 3, तो 36 अपने पास बचा, ठीक है, और ये हमने पे किया। अब हमें क्या करना है, देखो, तो अब ये फाइनल पे एक्सेस कैपिटल ऑफ सी हो गया अपना। अब जो भी पैसा बचेगा वो किसको बांटना, अपने को बी और सी को बांटने का है। कितना पे करने का है इनको, 36,666 अपने को अभी पे करने का बाकी है, ठीक है। तो उसमें से हमारे पास अभी कितना अवेलेबल है, 36,66 बचा हुआ है, तो ये हम पे कर देंगे। यहाँ पे लिखोगे लेस पेड एक्सेस ऑफ सी, फिर अभी क्या करेंगे, लेस पेड एक्सेस कैपिटल ऑफ बी एंड सी, तो जो भी पैसा बचा है अपने पास वो हम पे करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। तो 36,66 को हम लोग कौन से रेशियो में बांटेंगे, बी और सी का रेशियो क्या, 3:2, तो इस रेशियो में हमें बांटना होगा, तो हमें कैलसी करना पड़ेगा, कैलसी कर लेते हैं, चलो ओके। तो बी को हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको आ रहा है 20,200, और सी को जो आ रहा है वो आ रहा है 1,466, डेसिमल में आएगा तो आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पे क्या आएगा, 35,000। अभी ए को तो कुछ हमने दिया नहीं है क्योंकि उसका एक्सेस कुछ भी नहीं था, यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेते हैं, और 10-2 8, 3 का 2 हो जाएगा, 2 का 2 यहाँ पे है, तो 40,800, और ये दोनों को ऐड करके 40 में से माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा, 12,000 ये 800 के आसपास आ जाए, तो 20,800 है ना, तो 10 में से आ गया 2, ये कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 38,200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी अब अपने पास कुछ भी नहीं बचा है, अब नेक्स्ट रियलाइजेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। तो अगला जो रियलाइजेशन है वो कितने का है देख लेते हैं जरा, थर्ड रियलाइजेशन, 25 और 10 कितना हो गया, 35,000 हो गया, ठीक है। तो 35,000 का हम लोग रियलाइजेशन करेंगे, थर्ड रियलाइजेशन 35,000 ओके। अब इसमें से हमें किसको देना है, तो याद रखो अभी हमने देना था कितना, 36,666 अपने को देना था एक्सेस कैपिटल ऑफ बी एंड सी। अभी तक हमने कितना दिया, 3,666 ही दिया हमने, बराबर है। तो 36,666 में से हम लोग माइनस करेंगे 3,666, तो अपने को आएगा 33,000, ठीक है। तो ये 33,000 हम लोग पहले क्या करेंगे, पे करेंगे, किसको पे करेंगे, हम लोग बी और सी को पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका पूरा एक्सेस कैपिटल हमने पे नहीं किया था, हमने कितना पे किया था, खाली 3,666 ही पे किया था, तो 33,000 बाकी था वो हम लोग पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेस पेड टू बी एंड सी, ठीक है, उनका एक्सेस पे कर रहे हैं हम लोग। 33,000 को बी और सी को कौन से रेशियो में बांटोगे, हाँ इनका रेशियो क्या, 3:2, तो ये रेशियो में आप बांट दोगे इनको, ठीक है। तो इनका रेशियो में बांटेंगे इसको तो क्या आएगा, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो कैलसी करने पे 19,800 किसका आ रहा है, बी को, और सी को आ रहा है 13,200, ठीक है। तो 35 में से हमने क्या किया, 33,000 पे कर दिया, तो बचा कितना, 2,000। अब ये 19,800 तो पूरा माइनस हो जाएगा, और 10-9 1, 3-1 2, तो 21,000 इसका आएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 30 आ गया, 8-3 5, और 3 माइनस तो 25,000, ठीक है।
ये हो गया। अभी देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी मैंने वीडियो को पॉज किया था बनाते हुए, मुझे गड़बड़ लगा यहाँ पे, क्योंकि सारा एक्सेस देखो यहाँ तक हमने ना सारा एक्सेस कैपिटल क्या किया, पे कर दिया। तो सारा एक्सेस कैपिटल पे करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, पाँचवें स्टेप में जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल होता है वही आना चाहिए, है ना। ये नई चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो देखो यही आया होगा 35,000, 21,000 और यहाँ पे 14 और यहाँ पे 25 है। तब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैंने क्या किया, मिस्टेक किया, ठीक है। ये कब होता है, ये अपने को फिगर कब मिलता है, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो है ये कब मिलता है अपने को, जब हम लोग ये स्टेप पार कर लेते हैं। कौन सा पे, एक्सेस कैपिटल ऑफ दो पार्टनर का जो एक्सेस कैपिटल होता है ना, वो पे करने के बाद अपने को ये फिगर दिखेगा, ठीक है। ऑलवेज याद रखना, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप सम राइट कर रहे हो कि रॉन्ग कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि ये रॉन्ग है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे चेक किया, तो मुझे पता चला कि ये 11,334 रुपये जो है ये मैंने 40 में से माइनस नहीं किया, खाली इसको ही माइनस किया, जबकि ये दोनों माइनस होगा ना, क्योंकि ये दोनों हमने पे किया है, ठीक है। तो ये दोनों माइनस करने के बाद यहाँ पे आ रहा है 27,200, और 27,200 में से जब 13,200 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 14,000, ठीक है। तो अब ये देखो मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, एक गलती से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको सीखने मिल रहा है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जो भी पैसा बचा है वो तीनों पार्टनर को, क्योंकि एक्सेस तो हम लोग पे कर चुके हैं जितना भी एक्सेस था, अब हम लोग को क्या करना है, सारे पार्टनर्स को जो भी पैसा है वो 5, 3 और 2 के रेशियो में बांट देना है। तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे लेस पे टू ऑल पार्टनर्स 2000, ठीक है। अब 2000 को हम लोग कौन से रेशियो में देंगे, 5, 3 और 2, तो इसका टोटल करोगे तो 10 होगा, तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये 200 आएगा। तो 200 इंटू 5 कितना होएगा, 1000, 200 इंटू 3 कितना होएगा, 600, और 200 इंटू 2 कितना होगा, 400 होगा, ठीक है। तो ये हमने 2000 को बांटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, नील। और यहाँ पे 35,000 माइनस 1000 कितना होगा, 34,000, 21,000 माइनस 600 कितना होगा, 20,400, ठीक है। और यहाँ पे 13,600 आएगा, ओके। चलो ये हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, पैसे ख़त्म हो गए तो अब अगले रियलाइजेशन के लिए जाएंगे। तो लास्ट रियलाइजेशन जो है वो क्या है, 10,000 है, उसमें से 2000 अपना क्या हो गया, खर्चा हुआ है। बट ये खर्चे के लिए हमने 3000 ऑलरेडी साइड में रखा हुआ था, ये आपको अगर याद होगा तो, है ना। तो ये 3000 में से हमारा 2000 खर्चा हो गया। तो लास्ट रियलाइजेशन में बता रहा हूँ देखो कैसे होगा, लास्ट में क्या है, लास्ट मंथ यानी फोर्थ रियलाइजेशन। तो देखो इसमें हमने 10,000 का एसेट्स बेचा, उसमें से 2000 खर्च हुआ, ठीक है। प्लस हमने 3000 पहले ही रखा था, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो फाइनली अपना जो यहाँ पे आएगा ना वो 11,000 आएगा, ठीक है। तो ये नया चीज़ आपने सीखा कि 3000 स्टार्टिंग में हमने क्या रखा था, प्रोविज़न रखा था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, और बाद में उसमें से 2000 खर्चा हो गया, वो हमने माइनस कर दिया, तो टोटल हमारे पास कितना बचा, 11,000, ठीक है। अब ये 11,000 को क्या करना है, हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर लेस लिखेंगे और क्या लिखेंगे, पेड टू ऑल पार्टनर्स, ये 11,000 पूरा हम लोग पे कर देंगे, ठीक है। चलो तो बचा क्या बाद में, नील। 11,000 को यही रेशियो में बांटने का अपने को, तो 10, ये 10 होगा, 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1100, 11,500 कितना होगा, 50,500, 11,300, 3,300 और 11,200, 2,200, ठीक है। तो 0, 10 माइनस 5, 5, अब ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5, 5, ये 3, तो 3 मतलब 13, 13 माइनस 5 कितना होगा, 8, है ना, और ये 2, तो 28,500। यहाँ से 100, है ना, 4 माइनस 3 क्या होगा, 10 और 1, और 20 माइनस 3 क्या होगा, 17। यहाँ पे 6 माइनस 2 क्या होगा, 400, और 13 माइनस 2 क्या होगा, 11, ये आपका बचेगा, ये होगा अनपेड बैलेंस। पार्टनर्स का कैपिटल में इतना बैलेंस है, इतना हमें पे करना था। हम मतलब कौन, बिजनेस, हम बिजनेस होते हैं, ठीक है, याद रखो। खुद को क्या समझना है, बिजनेस समझना है।
तो ये हमें पे करना था, बट हमने पे की कितना कर पाए, 5,500, 3,300 और 2,200, तो इतना पेमेंट हमने नहीं किया, उसको बोलेंगे अनपेड बैलेंस। चलो ओके बाय।